स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हरि नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेस में। अब से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे नरेशन वाले टॉपिक पे, और इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स हैं। नंबर एक पे वो सेंटेंस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है या फिर किसी मॉडल से या कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे। नंबर दो पे हमने देखा कि ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, अब हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस जिन सेंटेंस की शुरुआत होती थी उनमें कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है और WH वर्ड से कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। जिन सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उनमें कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग हो रहा था। अब हम बात करते हैं WH वर्ड वाले सेंटेंसेस की। इन सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि जिस WH वर्ड्स इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो WH वर्ड लिखा हुआ होता है उसी WH वर्ड को कनेक्टिव के रूप में लिख दिया जाता है। इससे रिलेटेड मैं आप लोग को उसे एक दो एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले आप लोग देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी शुरुआत WH वर्ड से हो रही है और आप इसे ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं आप ये बात देखिएगा। इंटरोगेटिव पैटर्न में आप देखना WH वर्ड की बात करते हैं। अब से पहले मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें सेड टू के स्थान पे टोल्ड का प्रयोग किया जाता है और जो इंटरोगेटिव या WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस है उनमें सेड टू के स्थान पे आस्क का प्रयोग किया जाता है। पहचान सिर्फ ये है या ये वाला सेंटेंस यहाँ पे या तो कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या आपको कोई WH वर्ड मिलेगा या फिर ऐसे लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पे सेड टू के स्थान पे आस्क का प्रयोग करना होता है। एक छोटा सा सेंटेंस चलिए हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोगों के सामने है राम। सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोगों के सामने है राम। अब इसके आगे आप देखोगे सेड टू लिखा हुआ है, यहाँ पे WH वर्ड है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तब आप लोगों को सेड टू के स्थान पर और आस्क का प्रयोग करना होगा। ये पहले वाली शर्त इसी में भी लागू होती है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तभी ये आस्क में होगा, नहीं है तो सेम रहेगा। राम सेड टू के स्थान पे हम लोगों ने लिखा आस्क, और उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है श्याम हम लोगों ने वो लिखा। अब हम देखेंगे कनेक्टिव के रूप में जिस WH वर्ड को यहां पे लिखा हुआ है उसी WH वर्ड को लिख दिया जाता है। उससे ठीक पहले ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा को यहां से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आप देखिएगा यहां पर W और H वेन के शुरू में आ रहा है इसलिए इसे WH वर्ड कहा गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, H और W हाउ के शुरू में कोई भी W और H नहीं है लेकिन इसे WH वर्ड की फैमिली में इंक्लूड किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने यहां पे लिखा when, सेंटेंस देखना शुरू से राम सेड टू के स्थान पे आस्क हुआ और उसके बाद हम लोगों ने लिखा श्याम, फिर कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा और कनेक्टिव के रूप में WH वर्ड का प्रयोग किया। अब एक अगले बिंदु पे बात करते हैं। यहां तक हमने सेंटेंस कर लिया, जब हम लोग साधारण वाक्यों को या ऐसे वाक्यों को जिनकी शुरुआत किसी मॉडल से हो रही थी उनमें यूं कर रहे थे, इस मॉडल को एक बार छोड़ देते हैं और इसके आगे जो सब्जेक्ट होता है उसको उठा करके चेंज करते हैं और इस सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग मॉडल लिख रहे थे। अब देखिएगा यू है सेकेंड पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आपके सामने लिखा हुआ है श्याम। श्याम एक पर्सन है और इसके लिए हम लोग लिखेंगे ही। तो वेन ही, अब देखना इस सब्जेक्ट के बाद में हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है और हेल्पिंग वर्ब विल होता है तो वुड में चला जाता है, तो हम लिखेंगे when he would go to, फिर वापस देखिएगा यहां पे यो लिखा हुआ है और ये सेकंड पर्सन है, इट ऑल्सो विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट।
तो आप देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। लिखा हुआ आपके सामने यू यू योर। अब ये योर है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपके सामने श्याम है, श्याम के लिए ही लिखेंगे। तो आप देखिए फिर प्रोनाउन टेबल पे चलिए, ही हिम हिज। थोड़ी देर पहले यहां पे यू सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसलिए हमने इस यू की जगह लिखा ही लिखा। अब यहां पे योर है, इस योर के ठीक ऊपर हिज है, तो हम लोग लिखेंगे हिज। व्हेन ही वुड गो टू हिज स्कूल। अब आगे लिखा हुआ है टुमारो। समय और स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने बात की थी, टुमारो किस में बदलता है, द नेक्स्ट डे में। आप देखना व्हेन ही वुड गो टू हिज स्कूल, द नेक्स्ट डे। ये आपका सेंटेंस रहा। आप एक बार इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, राम सेड टू श्याम व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो। राम सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम लिखा, सेड टू को हमने आस्क लिखा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है। श्याम का श्याम रहेगा, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा। अब से पहले हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे, असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग कर रहे थे। इस बार वेन रहेगा क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है, हम लोगों ने वेन का वेन रखा। अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को पहले उठाएंगे और इस सब्जेक्ट के बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यू सेकंड पर्सन। अब आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे तो यू था, यहाँ पे ही क्यों आया, मैं समझाता हूँ। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या, श्याम, श्याम के लिए ही लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस, तो हमने लिखा ही। अब देखो मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद में वो आप लिखेंगे, तो विल किस में बदलेगा, वुड में। तो ही वुड, और मॉडर्न के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही वुड गो टू योर, योर किस में बदल रहा है, किस में, हिज स्कूल टुमारो द नेक्स्ट डे में। ये सेंटेंस आपके सामने रहा। जैसे मैं आप लोग को एक दो सेंटेंस और समझाता हूं, आप देखिएगा सेंटेंस आपके सामने है। मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं ही सेड टू मी। सेंटेंस आपके सामने है ही सेड टू मी व्हाई आर यू ए टीचर। कैसा सेंटेंस, he said to me, he said to me why are you a teacher, why are you a teacher। तो देखिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने he said to बदलेगा, ask में यहां टोल्ड क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य होता तो टोल्ड होता। तो ही आस्क्ड मी, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, कनेक्टिव के रूप में उसी डब्ल्यूएच वर्ड को रख देंगे वाई। अब हेल्पिंग वर्ब को एक बार छोड़ दो और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसे उठाओ, फिर यू सेकंड पर्सन इसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पे देखना ऑब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है मी, और हमें तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो वाई आई। अब इज एम आर होता है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम लोग को हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, तो इज एम आर वॉज वर्ब में जाएगा, तो वाई आई वॉज ए टीचर। क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है, फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। समझ पा रहे होंगे सेंटेंस बहुत आसान है, He said to me, why are you a teacher? तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही रहा, said to को आस्क में बदला गया, मी रखा, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, कनेक्टिव नया लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस है, उसी डब्ल्यू एच वर्ड को रख दिया, why?
अब एक बार हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दो, इसका जो सब्जेक्ट है उसे उठाओ, यू है, यू सेकंड पर्सन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारे सामने मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, हम लोग को सब्जेक्टिव की आवश्यकता है, और सब्जेक्ट है आई है, इज एम आर, वॉज वर्ब में बदला, ए टीचर का ए टीचर रख दिया। समझ पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछ सकते हैं सारी बातें। अब मैं आप लोगों को जैसे एक सेंटेंस और बता दूं, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे ज्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सेंटेंस लिखा ही सेड टू मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ही सेड टू मी, ये आपके सामने सेंटेंस रहा, और इससे आगे वाला जो पार्ट होगा, ही सेड टू मी के आगे वाला जो पार्ट होगा वो होगा वेयर आर यू गोइंग नाउ, क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग नाउ, समझ पा रहे होंगे, वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब आप लोग देखना वेयर आर यू गोइंग नाउ के आगे इसे चेंज करते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, वही सेड टू के स्थान पे आस्क, और फिर ऑब्जेक्ट की जगह मी रहेगा, कोमा हटेगा, इनवर्टेड कोमा हटेगा, और कनेक्टिव के रूप में उसी डब्ल्यू एस वर्ड को रख दिया जाता है जो इनवर्टेड कोमा में है, तो ही आस्क मी वेयर, कैसा रहा सेंटेंस वेयर। अब देखना इस हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दो, इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है उसे उठाओ, और ये सेकंड पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपके सामने मी है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस होगा आई। अब इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, तो वेयर आई वॉज गोइंग, समझ पा रहे हैं, वेयर आई वॉज गोइंग। अब आपने देखा होगा कि नाउ समय सूचक और स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन करते समय हमने देखा था कि नाउ देन में बदलता है, तो वेयर आई वॉज गोइंग देन, क्वेश्चन मार्क हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, फुल स्टॉप लगेगा। बोलिए सेंटेंस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो, बहुत आसान सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सेड टू के स्थान पे आस्क किया, मी लगाया ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया गया, हम लोगों ने डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में कनेक्टिव लगाया, एक बार हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दो, इसमें ठीक आगे जो सब्जेक्ट है उसे उठाइए, वो यू है, यू सेकंड पर्सन है, और ये किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपके सामने मी है, अब इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई लिखा, इज एम आर वो जोर में बदलता है, गोइंग का गोइंग रहा, नाउ देन में बदला है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बदलने वाली बात है। बोलिए आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अबे मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बता देता हूं, सेंटेंस जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, बहुत अच्छा सेंटेंस है, दिखने में आसान लगता है, सेंटेंस देखिएगा, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, बहुत आसान सेंटेंस है, आप देखिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ही सेड टू के स्थान पे आस्क, ऑब्जेक्ट आपका मी, ये कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा, डब्ल्यू एच वर्ड है उसी को कनेक्टिव के रूप में काम में लेंगे, तो ही आस्क मी व्हाट। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे एक बार छोड़ दो, और आपके सामने जो सब्जेक्ट है वो है योर नेम, तुम्हारा नाम, कैसा है तुम्हारा नाम, तो अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और बताता हूं, यू यू योर, यू यू योर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और पजेसिव, योर नेम तुम्हारा नाम, पजेसिव की बात करता है इस बार ये, तो आप देखिएगा यू सेकंड पर्सन में आता है, और किसके अनुसार चेंज होएगा, ये होगा आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है मी, मी का मतलब सब्जेक्टिव केस, इसका आई होगा, तो आई मी माई,
समझ पा रहे होंगे। अब योर के ठीक ऊपर क्या लिखा हुआ है, योर नेम, अब हो जाएगा माई नेम, और इज एमआर आपको मालूम होना चाहिए वॉज फॉर्म में बदलता है, ये सिंगुलर है तो क्या होगा वॉज। किसी बच्चे को इस बात का तो डाउट नहीं होगा कि ये वॉज लास्ट में क्यों आया, इसका कारण मैं आप लोग को बता चुका हूं कि योर नेम पूरा इसका सब्जेक्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। योर नेम हमने उठाया, ये बना माई नेम, अब इज एमआर को हम लोग वॉज वर्ब में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, इस वजह से ये वॉज लास्ट में आया। बोलिए डब्ल्यू एच वर्ड के सेंटेंस में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। याद रहे क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो, जो मर्जी है वैसा आप लोग पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोग को एक और बात बताता हूं, वो बात ये है कि अगर इंटेरोगेटिव पार्ट में किसी भी इंटेरोगेटिव पार्ट में किसी भी सेंटेंस की शुरुआत डू डज से होती है और ये डू डज हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और सेंटेंस में मैन वर्ब भी होती है, नहीं समझे? मैंने कहा कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत डू डज से होती है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, समझ पा रहे होंगे, किसी सेंटेंस की शुरुआत डू डज से होती है तो ये डू डज मैन वर्ब का काम करे, सॉरी माफी चाहूंगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करे, ये डू डज हेल्पिंग वर्ब का काम करे और सेंटेंस में मैन वर्ब भी होती है। डू डज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और मैन वर्ब भी होती है तो आप लोगों को इस डू डज को रिमूव करना है, इस डू डज को हटा देना है, डिलीट कर देना है और जो मैन वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। समझ पा रहे होंगे, मैंने कहा इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर किसी डू और डज से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो आप लोगों को उस डू डज को तो रिमूव करना है, हटाना है और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इस बार एक बात ध्यान रखिएगा, कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का ही प्रयोग होगा क्योंकि सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत नहीं होगी। मैंने कहा नया नियम है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी। देखिए कैसे चेंज करते हैं, आपके सामने एक सेंटेंस और रखता हूं, नियम समझ में आ गया होगा। मैंने कहा सेंटेंस की शुरुआत अगर डू डज से होती है, डू डज हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, सेंटेंस में डू डज को हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कनेक्टिंग के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाना और पूछना, मैं आप लोग के सवालों का जवाब देने के लिए हर समय तैयार हूं। आप लोगों के सामने मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस जैसे है ही सेड टू मी, कैसा सेंटेंस है, ही सेड टू मी डू यू हेल्प सीता, देखना कैसा सेंटेंस है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू यू हेल्प सीता, डू यू हेल्प सीता, बहुत आसान सेंटेंस है। देखिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, सेड टू के स्थान पे आस्क्ड, मी का मी रहेगा, ये कोमा हटा, इनोटेड कोमा हटा, इस बार ध्यान रखना यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग हमने लिखा इफ। अब एक मैंने एक बात कही थी कि सेंटेंस की शुरुआत डू डज से होती है तो उस डू डज को तो रिमूव कर दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट आपके सामने है मी और मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए तो होगा आई, तो एफ है आई। हेल्प मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे सेकंड फॉर्म में लिख दिया जाएगा इफ आई हेल्प।
सीता थर्ड पर्सन है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं और इसे चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा होगा वैसा ही रहेगा। आप ये ना सोचे कि सीता है तो गीता में बदल दिया जाएगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? मैंने कहा ही सेड टू मी डू यू हेल्प सीता, वो ही नियम पूरा हो रहा है, सेंटेंस की शुरुआत टू डज से हो रही है। और इसके बाद आप लोग देखोगे कि हेल्प मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज को हटा दिया और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगा दिया। समझ पा रहे होंगे? अब इसके आगे एक दो और सेंटेंस हम लोग चर्चा करते हैं, आप देखिएगा। मैंने सेंटेंस लिखा रमेश सेड टू मी, कैसा सेंटेंस? रमेश सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। सेंटेंस आपके सामने है डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, तो देखिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने है रमेश सेड टू के स्थान पे होगा, आस्क ऑब्जेक्ट आपका मी रहेगा, ये कोमा हटा इनवर्टेड कोमा हटा और आप देखोगे कनेक्टिव के रूप में इफ लगाया, डू डज को हटा दिया जाता है, यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आपके सामने मी है, मी का सब्जेक्ट यू केस आई होगा। इफ आई प्ले मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। इफ आई प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, बोलिए इसमें कोई समस्या हो तो रमेश सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, सेंटेंस आपके सामने है रमेश आस्क मी और कोमा हटा इनवर्टेड कोमा हटा कनेक्टिव के रूप में इफ लगा, इफ इसलिए लगा क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है यहाँ पर, अगर होता तो उसी को रखते, और फिर डू डज को रिमूव कर दिया, यू मैन वर्ब यू मैन इसका आपके सामने ये सब्जेक्ट है और यू सेकंड पर्सन होता है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपके सामने मी है, मी का सब्जेक्ट केस आई है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हो गई, क्रिकेट इन द इवनिंग सेम का सेम रख दिया। समझ पा रहे होंगे मैं आप लोग को जो बताना चाह रहा हूं? अब आप कहें तो एक सेंटेंस और रख देते हैं, सेंटेंस आपके सामने है द टीचर सेड टू मी, कैसा सेंटेंस? द टीचर सेड टू मी The teacher said to me, आपके सामने सेंटेंस where do you live? Do you live? The teacher said to me, where do you live? आप देखिएगा इस सब्जेक्ट को इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने रहेगा द टीचर सेड टू के स्थान पे आस्क्ड और रहेगा मी, द टीचर आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कोमा दोनों को हटा दिया। अब कनेक्टिव के रूप में इस बार इफ लगेगा, वेदर लगेगा या डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, ये बात आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि सेंटेंस का जो शुरुआती दौर है वो डब्ल्यू एच वर्ड का है, ये बात ध्यान रखिएगा, और डब्ल्यू एच वर्ड से होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही रखेंगे। तो वेयर सेंटेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, रिमूव कर दीजिए और यू सेकंड पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके सामने मी है और मी का सब्जेक्टिव केस है आई, और लिव मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगी। बोलिए इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो, अगर प्रॉब्लम है भी तो आप लोग एक काम करना, इस चैनल को देखते हो और इसमें कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में जाकर आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पूछ सकते हो।
अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस का जो टाइप है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप कंप्लीट कर लिया। इंटरोगेटिव दो प्रकार के, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत वाले डब्ल्यूएच वर्ड से, दोनों इसमें देख लिया। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि किसी डू डज से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो डू डज को रिमूव कर दिया जाता है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी जाती है। ऐसे सेंटेंस में कनेक्टिव ग्रुप में भी अवेदर का प्रयोग होता है। डब्ल्यूएच वर्ड की शुरुआत होने वाले सेंटेंसेज में डब्ल्यूएच वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में काम में लिया जाता है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया और ये आपका इंटरोगेटिव पार्ट कंप्लीट हुआ। और कल या अगले वीडियो में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेज के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए हम आप लोगों को बाय बाय कहते हैं और बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग।